हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी का, आपका बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर का प्रैक्टिस सेट हिंदी वाला, और जिसकी सेकंड यूनिट के 60 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, और उस 60 से आगे के क्वेश्चन अब हम आपको कराएंगे। तो ये जो यूनिट है आपकी, कार्यालयी हिंदी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली, ठीक है? कार्यालयी हिंदी में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, ठीक है? तो हमारे जो प्रश्न है, जो 61 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या कह रहा है? 61 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? स्टैंप ड्यूटी का परिभाषिक शब्द क्या है? स्टैंप ड्यूटी किसको कहते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है? तो स्टैंप ड्यूटी जो होती है वो होती है मुद्रांक शुल्क। स्टैंप ड्यूटी क्या होती है? मुद्रांक शुल्क। यहाँ पर कर्तव्य पालन, कर्तव्य कार्य, मुद्रांक मोहर, ये सब दिए गए हैं। तो स्टैंप का मतलब होता है मुद्रांक और ड्यूटी का मतलब होता है शुल्क, ठीक है? तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि कमिश्नर का हिंदी पर्याय क्या है? जो कमिश्नर होता है उसका हिंदी पर्याय क्या है? यहाँ पे दे रखे हैं प्रभारी, अधिशासी अधिकारी, आयुक्त या क्षेत्र अधिकारी। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आयुक्त, ठीक है? सही सही आंसर क्या हो जाएगा? आयुक्त आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? इंजीनियर का हिंदी पर्याय, ठीक है? इंजीनियर का हिंदी पर्याय है, इंजीनियर को हिंदी में क्या कहते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। अभिकर्ता, अभियंता, अधिशासी अधिकारी या यंत्र चालक, ठीक है? तो यहाँ पर जो अभियंता हो जाएगा, अभियंता क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। क्या कहते हैं इंजीनियर को? अभियंता इंजीनियर को हिंदी में कहते हैं। ऐसे ही फॉरेस्ट ऑफिसर, फॉरेस्ट मतलब वन का और ऑफिसर मतलब अधिकारी, ठीक है? फॉरेस्ट ऑफिसर को हिंदी में क्या कहेंगे? तो वन अधिकारी फॉरेस्ट ऑफिसर को कहते हैं, ठीक है? फॉरेस्ट ऑफिसर को क्या कहेंगे? वन अधिकारी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होता है? एमपी, एमपी किसे बोलते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है? तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होते हैं? विधायक होते हैं या सभासद, सांसद या लोकसभा अध्यक्ष। तो जो आपके सांसद होते हैं, ठीक है, जो सांसद होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो कहलाते हैं। ऐसे मेयर को क्या कहते हैं हिंदी में? जो मेयर होता है, मेयर जो होता है उसे क्या कहते हैं हिंदी में आपका, ठीक है? पहला क्वेश्चन आप, पहला ऑप्शन आपका दे रखा है अध्यक्ष, सभासद, कुलपति या महापौर। तो जो मेयर होता है उसे क्या कहते हैं? महापौर उसको कहते हैं, ठीक है? डी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रिकॉर्ड कीपर को हिंदी में क्या कहते हैं? यहाँ पर हमको बताना है कि रिकॉर्ड कीपर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो जो अभिलेखपाल होता है, ठीक है, अभिलेखपाल क्या होता है? अभिलेखपाल क्या को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिकॉर्ड कीपर, ठीक है? रिकॉर्ड कीपर कौन होता है? अभिलेखपाल, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है सेक्रेटरी को हिंदी में कहते हैं, निजी सचिव, सचिव, उप सचिव, सचिव या कुलपति। तो जो सेक्रेटरी होता है वो किसकी मीनिंग होती है हिंदी में, किसकी क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं सचिव, ठीक है? हिंदी में सचिव कहते हैं उसको, सेक्रेटरी को हिंदी में क्या कहते हैं? सचिव कहते हैं। ऐसे ही अगर वो पूछेगा वॉइस चांसलर का हिंदी पर्याय है, वॉइस चांसलर का हिंदी पर्याय क्या होता है, तो आपको बताना है कुलपति होगा, उपकुलपति, कुलाधिपति या कुल, ठीक है, कुलाधिपति या कुल सचिव। तो कुलपति इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुलपति इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही असेंबली का परिभाषिक अर्थ पूछ रहा है। असेंबली मींस क्या होता है? सभा होता है, विधानसभा, परिषद या लोकसभा, ठीक है? तो अब असेंबली जो होती है वो उसका अर्थ होता है सभा, ठीक है? असेंबली का अर्थ क्या होता है? सभा होता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्ट शब्द का अर्थ है, एक्ट किसे कहते हैं हिंदी में, ठीक है, ये बताना है हमें। तो एक्ट का मतलब क्या? प्रविष्ट होता है, कार्यक्रम होता है, अधिनियम होता है या अनुमोदन होता है। तो सी ऑप्शन क्या कह रहा है? अधिनियम, ठीक है? सी ऑप्शन क्या है हमारा? अधिनियम। यानी कि अधिनियम कहते हैं किसको? एक्ट को। एक्ट कह लो या अधिनियम कह लो, ठीक है, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एडहॉक, एडहॉक पर रखने का मतलब क्या होता है? जैसे एडहॉक पर टीचर रखे जाते हैं, ठीक है? तो एडहॉक मतलब क्या है? नियम, अधिनियम, स्थायी या तदर्थ। तो तदर्थ मीन्स क्या होता है? एडहॉक। डी ऑप्शन तदर्थ मीन्स क्या होता है आपका? एडहॉक होता है। ऐसे ही एडमिनिस्ट्रेटर का कौन सा परिभाषिक अर्थ सही है, ठीक है? यहाँ पर हमें बताना है कि एडमिनिस्ट्रेटर को क्या कहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो होता है सी ऑप्शन आपका प्रशासक। क्या होता है? प्रशासक होता है। ऐसे ही काउंसिल को क्या कहते हैं? तो काउंसिल को अगर पूछेगा तो आपको बताना है कि परिषद। काउंसिल क्या होती है? एक परिषद, ठीक है? तो यहाँ पर पूछा है समिति, सभा, परिषद या निकाय, ठीक है? तो परिषद किसे कहते हैं? काउंसिल को कहते हैं।
ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि चार्ज के लिए उचित पर्याय है, क्या कह रहा है? चार्ज के लिए उचित पर्याय, यानी कि चार्ज का मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं आप पे चार्ज लगाया जाएगा ये, ठीक है, तो चार्ज लगाने का मतलब क्या है? क्या आरोप लगाया जाएगा, शिकायत, अभियोग या अपराध? तो चार्ज का मीन्स होता है आपका आरोप, ठीक है, चार्ज का मतलब क्या होता है? आरोप होता है। ऐसी सेंसस अगर पूछे कभी तो सेंसस मीन्स क्या होता है? सेंसस कराई जाएगी, ठीक है, जनगणना कराने को, जनगणना को क्या कहते हैं? सेंसस कहते हैं। जो हमारी अभी जनगणना है वो कब कराई जाएगी? 2021 की जनगणना जो है कराई जाएगी, अभी तक कौन सी चल रही थी? 2011 की, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे डिफाल्टर, डिफाल्टर हो जाना का मतलब है जैसे बैंक का डिफाल्टर हो गया, ठीक है, तो बैंक का डिफाल्टर होने का मतलब क्या हो गया? कि वो बकायेदार हो गया, यानी कि उस पर कुछ पैसे रह गए हैं, ठीक है, पैसे उस पर रह गए। डोमिसाइल बनवाने जाते हैं जब हम, ठीक है, डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, ये बनता है, तो डोमिसाइल का मतलब क्या है? अधिवास, यानी कि निवास प्रमाण पत्र जो होता है, अधिवास यानी कि कहाँ पर आप वास कर रहे हैं तो उसे कहेंगे अधिवास, ठीक है। निवास, प्रवास, सहवास, ये सब नहीं सही है, इसमें सी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें क्या कह रहा है वो, इसमें कह रहा है एमोल्यूमेंट्स का परिभाषिक अर्थ है। एमोल्यूमेंट्स का परिभाषिक अर्थ क्या होता है? वेतन, प्रवृत्तियां, इनमें से कोई नहीं, या परिलब्धियां, ठीक है। तो यहाँ पर जो एमोल्यूमेंट्स का अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा परिलब्धियां, क्या हो जाएगा? परिलब्धियां इसका अर्थ हो जाएगा। ऐसे मिंट का परिभाषिक रूप क्या है? मिंट किसे कहते हैं, ठीक है, जो हमारी टकसाल होती है, जहां क्या बनता है, जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं, ठीक है, सिक्के वगैरह ढाले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? टकसाल को क्या कहते हैं? मिंट कहते हैं, ठीक है, टकसाल को क्या कहते हैं? मिंट कहते हैं। ऐसे रेगुलेटेड का परिभाषिक अर्थ है। रेगुलेटेड मतलब क्या होता है? यहां पर आपको बताना है क्या? विनियमित, नियंत्रित, नियमित, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जो रेगुलेटेड का मीन होता है वो होता है विनियमित, ठीक है, विनियमित। ऐसे ही रिजेक्ट का परिभाषिक अर्थ अगर पूछे आपसे तो रिजेक्ट मीन्स क्या कर दिया? आपने किसी चीज को रिजेक्ट कर दिया, मतलब अस्वीकृत, स्वीकार नहीं किया उस चीज को, ठीक है, तो अस्वीकृत उसका सही अर्थ हो जाएगा। सेडिशन क्या होता है? जैसे आपसे पूछे अगर कभी सेडिशन क्या होता है, ठीक है, आपका क्वेश्चन हो सेडिशन, तो क्या राजभक्ति होता है, समर्पण होता है, राजद्रोह होता है, या निगरानी होता है? तो सेडिशन अगर पूछे तो सी ऑप्शन क्या कह रहा है? राजद्रोह। सेडिशन मीन्स क्या होता है? राजद्रोह होता है आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सप्लीमेंट्री के लिए हिंदी हिंदी पर्याय है। सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? क्या पूरक, परिपूरक, या अनुपूरक, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है अनुपूरक, क्या होता है? अनुपूरक। ऐसे ही टेन्योर क्या होता है? टेन्योर मीन संवर्ग, अवधि, या प्रतिबंध, ठीक है। तो टेन्योर जो होता है उसे अवधि को कहते हैं, ठीक है, जैसे 10 साल का टेन्योर, 20 साल का टेन्योर, तो उसे क्या कहेंगे? अवधि को क्या कहते हैं? टेन्योर कहते हैं। ऐसे व्हाइट पेपर का अर्थ क्या है? व्हाइट पेपर, व्हाइट मतलब सफेद, पेपर में पत्र, तो श्वेत पत्र क्या हो जाएगा? व्हाइट पेपर का अर्थ क्या हो जाएगा? श्वेत पत्र। नेक्स्ट आपका अगर क्वेश्चन पूछे एम्प्लॉयर के लिए उचित परिभाषिक शब्द, एम्प्लॉयर क्या होता है, ठीक है, योजक होता है, वियोजक होता है, नियोजक होता है, या मालिक होता है? तो जो एम्प्लॉयर होता है उसका मीन क्या होता है? नियोजक। एम्प्लॉयर का मीन क्या होता है? नियोजक, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है प्रशासक, सुशासन, या प्रशासक, प्रशासन, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो कहते हैं उसे प्रशासन को, ठीक है, प्रशासक को नहीं, प्रशासन को कहते हैं, ये चीज ध्यान रखना। ऐसे ही सरचार्ज, सरचार्ज का मतलब चार्ज जितना लगाया उससे अधिक भार, अधिक भार, ठीक है, तो अधिक भार इसे क्या कहेंगे? हिंदी में कहेंगे इसे अधिभार, ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे? इसे अधिभार कहेंगे, ठीक है, अधिभार इसे हिंदी में कहेंगे। एजेंडा के लिए हिंदी शब्द क्या हो जाएगा? एजेंडा मीन्स होती है आपकी कार्य सूची, एजेंडा मीन्स क्या होती है? कार्य सूची। ऐसे ही पूछे बेल के लिए उपयुक्त शब्द है, बेल, बेल मिलना, बेल मतलब जैसे जेल पे कोई जाता है तो उसे कहते हैं बेल मिल गई, ठीक है, तो बेल क्या होती है? कारागार, अपराध, या जमानत, ठीक है, तो जमानत मीन्स क्या होता है? बेल होता है, ठीक है, बेल, बेल मतलब क्या होता है? जमानत। ऐसे ही अब और ये क्या है? एब ओरिजिनल वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है, एल एब ओ एब ओरिजिनल वेलफेयर ऑफिसर का हिंदी रूपांतरण क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा एब ओरिजिनल का आदिवासी कल्याण अधिकारी, ठीक है, एब ओरिजिनल का मतलब आदिवासी, वेलफेयर का मतलब कल्याण, और ऑफिसर में क्या हो गया? अधिकारी, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे पूछा एडिशनल डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल का मतलब क्या होता है? आदिवासी आदिवासी कल्याण अधिकारी, ये तो हमने देख चुके हैं, एबोरिजिनल वेलफेयर ऑफिसर। ऐसे ही अपर महानिदेशक, इसे क्या कहेंगे? एडिशनल का मतलब अपर और महानिदेशक मतलब जनरल डायरेक्टर, ठीक है, डायरेक्टर जनरल है, जनरल डायरेक्टर, इसे क्या कहेंगे? अपर महानिदेशक। ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न आपका पूछा है एडवांस के लिए हिंदी शब्द क्या है, ठीक है, एडवांस मतलब क्या हो गया? एडवांस देना, ठीक है, किसी को हम एडवांस देते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है? मुद्रा, खाता, दे या अग्रिम? अग्रिम देना, ठीक है, तो एडवांस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन, अग्रिम। ऐसे ही यहाँ पे पूछ रहा है एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है, एडिशनल सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है? सेक्रेटरी मंस क्या होता है? एक सचिव होता है, तो अपर सचिव, कृषि, राजदूत, प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, तो जो एडिशनल सेक्रेटरी होता है वो क्या होता है? अपर सचिव होता है, ठीक है, वो अपर सचिव होता है। ऐसे ही ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, तो वो कौन होता है? एडमिनिस्ट्रेटर जनरल का मतलब क्या होता है आपका? प्रशासक अधिकारी या प्रशासन अधिकारी, ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि एग्रीकल्चर का हिंदी रूपांतरण है, एग्रीकल्चर मींस क्या होता है? सभी को पता होगा खेती होती है, ठीक है, एम्बेसडर का अभी मैंने बताया था, ठीक है, राजदूत, एम्बेसडर का क्या होता है? राजदूत होता है। एंथ्रोपोलॉजी पोलोजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी जो होती है वो होती है भूविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? भूविज्ञान, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी अगर पूछेगा तो आप बताएंगे भूविज्ञान। एक पूछता है आर्बिट्रेटर, ठीक है, आर्बिट्रेटर का मतलब हो गया मध्यस्थ जो होता है, बीच का जो होता है, बिचौलिया जैसे बोलते हैं हम, ठीक है, वही होता है आर्बिट्रेटर, ठीक है, आर्बिट्रेटर का मतलब हो जाता है आपका बिचौलिया, विवाचक या मध्यस्थ, ठीक है, तो बी ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजी का मतलब पुरातत्व विभाग, सहायक सचिव, सह सदस्य या महान्यायवादी, तो यहाँ पर जो 101वां क्वेश्चन हो जाएगा इसका हो जाएगा आर्कियोलॉजी का पुरातत्व विभाग, ठीक है, आर्कियोलॉजी किससे संबंधित होता है? पुरातत्व विभाग से संबंधित होता है। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि असिस्टेंट इंचार्ज क्या होता है, असिस्टेंट जो इंचार्ज होता है वो क्या होता है? क्या वो सहायक सचिव होता है, ठीक है, महान्यायवादी होता है, सह सदस्य होता है या प्रभारी सहायक, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर यहाँ से हो जाएगा। चेयरमैन किसे कहते हैं, ठीक है, चेयरमैन पड़ताल अधिकारी होता है, संयोजक, राष्ट्रमंडल सचिव या सभापति अध्यक्ष, तो चेयरमैन क्या होता है? चेयरमैन यहाँ से आपका होता है सभापति या अध्यक्ष, चेयरमैन को क्या कहते हैं? सभापति या अध्यक्ष। अगर वो पूछे कॉमन वेलफेयर सिक्योरिटी, ठीक है, कॉमन वेल्थ सेक्रेटरी, ठीक है, कॉमन वेल्थ सेक्रेटरी, तो जो कॉमन वेल्थ सेक्रेटरी होता है वो क्या होता है? वित्त सलाहकार होता है या सांस्कृतिक सहकारी या कार्यालय अध्यक्ष या राष्ट्रमंडल सचिव, तो सेक्रेटरी का मतलब ही क्या होता है? सचिव, ठीक है, तो कॉमन वेल्थ का मतलब हो गया राष्ट्रमंडल, ठीक है, ये कॉमन वेल्थ पूरा वर्ड है, कॉमन वेल्थ इसका मतलब होता है राष्ट्रमंडल, ठीक है, यहाँ से इसका मतलब क्या हो जाएगा? राष्ट्रमंडल। ऐसे ही यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है जो कार्य को लागू करता है, तो कार्य को लागू करने वाले मतलब कार्यान्वयन, कार्य को वयन करने वाला अधिकारी, ठीक है, तो कार्यान्वयन अधिकारी को क्या कहेंगे? इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर क्या होता है? कार्यान्वयन अधिकारी। आपका अगर पूछे कि लॉजिक, लॉजिक जैसे हम कहते हैं कि हमारा इसमें लॉजिक क्या है, ठीक है, किसी भी कार्य को करने से पहले, तो लॉजिक का मतलब होता है तर्क, पुराण या दर्शन या धर्मशास्त्र, तो आपका लॉजिक का मतलब क्या हो जाएगा? तर्कशास्त्र। लॉजिक का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से? तर्कशास्त्र, ठीक है। एग्रीमेंट का हिंदी रूपांतरण, एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है? सहमति पत्र होता है, अविकृत होता है, स्वीकार करना या अभिकथन, तो जब एग्रीमेंट होता है जैसे किसी चीज में, जैसे दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं? सहमति हो गई भाई, तो सहमति पत्र, ठीक है, एग्रीमेंट मीन्स क्या हो गया आपका? सहमति पत्र। ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट का मतलब विज्ञापन, घोषणा, अभिकरण या पूर्ण योग, तो आप जब हम एडवर्टाइजमेंट कराते हैं तो क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट कराना है भाई हमें किसी चीज का, यानी कि विज्ञापन चलाना है, ठीक है, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट मीन्स विज्ञापन। यहाँ पर ही बिल, जैसे बिल आपका आता है, ये जो बिल होता है उसे क्या कहते हैं हिंदी में? जमानत कहते हैं, नौकरशाही, मतपत्र या विधेयक, तो बिल के मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से? विधेयक, ठीक है, बिल का मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा? विधेयक।
ऐसे ही अगर वो पूछता है चांसलर किसे कहते हैं, चांसलर किसे कहते हैं, तो कुलपति को कहते हैं, कुल मंत्री को, कुल सचिव को, या प्रधानाचार्य को। तो चांसलर जो होता है वो होता है कुलपति, ठीक है। चांसलर जो होता है वो होता है कुलपति। यहाँ से कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हिंदी रूपांतरण है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हिंदी रूपांतरण। डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला का, और मजिस्ट्रेट मीन्स न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश, यानी कि जिला न्यायाधीश का मतलब ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन तो जैसे आप अलग अलग तोड़ के इनको निकालने की कोशिश किया करें। डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिला, तो इसमें एक ही ऑप्शन है जिसमें जिला दिया है, तो आपका वैसे भी यही क्वेश्चन सही हो जाएगा। ऐसे ही हेड का मतलब मुख्य, ठीक है, क्वार्टर, ठीक है, तो इसका मतलब मुख्य, मुख्य लगा हुआ होगा उसमें, तो मुख्य आलय, ठीक है। क्वार्टर का मतलब क्या होगा, आलय, तो मुख्यालय इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे कार्यालय, घर, स्कूल या मुख्यालय, तो इसमें से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हेड का मतलब क्या होता है, हेड का मतलब होता है प्रधान, ठीक है, किसी चीज का हेड, मैं किसी चीज का हेड हूं, तो मेरा मतलब, उसका मतलब क्या है, वो किसी चीज का प्रधान है। प्रधान का मतलब मेन आदमी, ठीक है, मेन मेन जो इंसान होता है वो। इंडेंट, ये क्या आ रहा है, इंडेंट का हिंदी रूपांतरण क्या है, ठीक है, तो वो क्या है, मांग पत्र है, प्रार्थना पत्र है, आवेदन पत्र है, या समाचार पत्र है। तो यहां से जो सही आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ए, मांग पत्र। क्या हो जाएगा सही आंसर, मांग पत्र, ठीक है। गैजेट का अभी मैंने बताया था, गैजेट मीन्स राजपत्र होता है, ठीक है। और मैनिफेस्टो किसे कहते हैं, मैनिफेस्टो, ठीक है, मेरा जैसे हर पार्टी का अभी मैनिफेस्टो आया था, तो उसे क्या कहते हैं, मैनिफेस्टो का मतलब होता है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र जारी करती है हर पार्टी इलेक्शन से पहले, वही मैनिफेस्टो है ये, ठीक है। मैनिफेस्टो मीन्स घोषणा पत्र। अभी वो पूछ रहा है कि मूवमेंट किसे कहते हैं, मूवमेंट का मतलब क्या होता है, तो संचालन, संचलन, चलन, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, संचलन। मूवमेंट मीन्स संचलन, ठीक है। मूवमेंट मीन्स क्या होता है, हिंदी में ऐसे बोलते हैं संचलन, ठीक है। पार्लियामेंट क्या होती है, पार्लियामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, संसद, सभा, योजना, या सभागृह, इन चारों में से पार्लियामेंट को क्या कहते हैं बताइए। तो पार्लियामेंट क्या होती है आपकी, संसद जिस जो होती है उसे क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर क्या रहा है, प्लीडर का हिंदी रूपांतरण है, प्लीडर मीन्स क्या होता है, अधिवक्ता, वादी, संसद, या मंत्री, ठीक है। तो आपका जो ए ऑप्शन अधिवक्ता हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्कॉलरशिप आपको मिलती है, ठीक है। स्कॉलरशिप के क्या होती है, वेतन होता है आपका, या मानदेय होता है, या भुगतान होता है, या क्या होता है, छात्रवृत्ति, ठीक है। तो स्कॉलरशिप मीन्स क्या होता है आपका, छात्रवृत्ति, ठीक है। छात्रवृत्ति क्या होती है, स्कॉलरशिप आपकी होती है। तो ये आपके 120 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। यूनिट सेकंड में आपके 100 लगभग 80 क्वेश्चन के करीब है, ठीक है। तो एक वीडियो आपकी और उसके लिए हम प्रोवाइड कराएंगे, और जैसा भी आपको ये लगा है इसमें कुछ सुधार की जरूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं, ठीक है। धन्यवाद।